हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आप सबका बहुत कमेंट आ रहा था कि आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो नहीं मिल रही है प्रतीक शिवालिक सर की ऐप में। तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्लिप ऐड की है जिसमें मैंने ओपन करके दिखाया है कि कहाँ से मैं जो टेस्ट सीरीज़ है उसको ओपन करती हूँ। और आप सब लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और एक और चीज़, सब बहुत कमेंट कर रहे हैं कि पार्ट सेकंड के लिए आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो पार्ट सेकंड के लिए जो मैंने सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत सारे उसमें राइटर्स थे, जहाँ से भी उन राइटर्स का कंटेंट मुझे मिल जाता है मैं वहीं से उसको प्रिपेयर करती हूँ। मोस्टली राइटर्स LT की बुक में मिल जाते हैं और जो नहीं मिलते हैं वो राइटर्स मैं UGC नेट की जो बुक है उससे प्रिपेयर करती हूँ फ्रेंड्स। और कुछ कुछ चीज़ें ईजी करने के लिए जो राइटर्स समझ में नहीं आते हैं या बिल्कुल नए होते हैं मेरे लिए, उनको मैं यूट्यूब से प्रिपेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो यही है। और यहाँ पर मैं GK JS का एक टॉपिक है उसको कंप्लीट कर रही थी। टॉपिक्स तो कंप्लीट हो गए थे फ्रेंड्स, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि अच्छे तरीके से मैं प्रिपेयर हूँ। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को वापस से रिवाइज़ किया और फिर से सारी चीज़ों को दोबारा से पढ़ा है। किस किस को ऐसा लगता है पढ़ने के बाद कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है? मॉडर्न हिस्ट्री मैंने 2-3 बार पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक साथ सब कुछ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी किया है, कोशिश की है। देखते हैं टेस्ट के मार्क्स बताएंगे कि कितना हो पाता है। उसके बाद पार्ट टू के लिए यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ लिटरेचर का एक राइटर मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। और लिटरेचर के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं कौन सी बुक से प्रिपेयर कर रही हूँ। और टेस्ट के लिए लास्ट में देख लीजिएगा किस तरीके से मैं ओपन करती हूँ उस ऐप को, मैंने दूसरे फ़ोन से ओपन करके आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पर मेरा जो वीक फिफ्थ है वो कम्प्लीट होने वाला है। ओनली मैथ्स का थोड़ा सा टॉपिक बचता है जिसको मैं आज कम्प्लीट कर लूँगी। मीन्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी कि क्या मेरा स्कोर रहा है। अभी 2-3 दिन से बहुत बिजी जा रहा है इसीलिए स्टडी जो है वो थोड़ी कम हो पा रही है फ्रेंड्स। एक तो गर्मी की वजह से तबीयत भी थोड़ी सही नहीं रहती है और दूसरी बात छोटा बच्चा है वो भी परेशान करता है, तो इतना टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन जितना भी निकाल पा रही हूँ अपने लिए मुझे सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, मेरे पास जितना टाइम है मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। और आप सब लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि जितना भी टाइम आप दे सकते हो हर एक चीज़ से बचा कर, हर एक चीज़ से चुरा कर, वो आपको देना चाहिए। मीन्स अगर आप TV देखते हैं या फिर मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं या फिर सोने में टाइम वेस्ट करते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप टाइम को बचा सकते हैं। या फिर मोबाइल फ़ोन पर किसी से बातें करते हैं तो वो थोड़ी कम कर सकते हैं, जितना ज़रूरी हो उतनी कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे पास टाइम जो है बहुत कम है, 2 से 3 महीने हैं, 3 महीने नहीं कह सकते, 2 महीने मान के चलिए। और इन 2 महीने में हमें अपना सिलेबस भी कम्प्लीट करना है और उसको रिविज़न भी करना है। 1 से 2 बार रिविज़न होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ऐप ओपन की है, ब्लू बूस्टर बुक में जा कर के आप ओपन कीजिए फ्री कंटेंट और यहाँ पर आपको सारे टेस्ट जो हैं वो मिल जाएंगे।